केशव के गन से परव का मर्डर नहीं हुआ, उसके ऊपर वो केशव जाके मर गया। हमें क्लब प्लैटिना जाना होगा। तुम्हें हायर किसने किया? मायरा मैम ने मुझे हायर किया है सर। परव रानी के बारे में सुना होगा, एक बार वो मुझे उसके घर के नीचे एक सेलर में लेकर जाना चाहता था। निखिल सर का बहुत बड़ा क्लाइंट था वो। हेलो सबा, कीड़े मकोड़े मारने की मशीन है ये। मेरे कैश के पास मच्छरों की एंट्री भी बैन है। तुम्हें लगा तुम यहां एंटर कर जाओगी? एक का धस दूंगा, यू विल नॉट बी एबल टू लीव दिस स्पेस अलाइव। लगी बैठ। ये क्या किया तूने? देखने क्लब गई थी ना, ये फाइल में क्या देख रही है बॉस? निखिल सारंग ने जिस जिस को पैसे उधार दिए थे उसके रिकॉर्ड्स है। परव राणे निखिल के क्लब में रोज बेटिंग करता था। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक निखिल ने परव को करोड़ों रुपए उधार दिए। निखिल के बहुत पैसे बाकी थे उस पर। वो वेटर्स कह रहे थे कि निखिल और परव बहुत फ्रेंडली थे, पर परव ने सालों से निखिल के उधार किए हुए पैसे वापस चुकाए नहीं थे। गार्गी पे फेंकने के लिए पैसे थे लेकिन उधार चुकाने के लिए नहीं। पॉलिटिशियन और पुलिस सेम, लेना जानते हैं लौटाना नहीं। परव रोज क्लब जाता था और पैसे नहीं चुकाता था, लॉसेस के पैसे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए निखिल ने परव का मर्डर कर दिया। स्टोरी सॉलिड है पर वैलिड नहीं, मोटिव है पर एविडेंस नहीं। क्या आइटम है ये? क्या किया तूने रीटा? कीड़े मकोड़े मारने की मशीन है ये। एक पेस्ट भगाने की मशीन है। जहाँ ये होता है वहाँ छोटे जानवर कीड़े मकोड़े चूहे नहीं आते। समझा, पर इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? साहब जी का कुत्ता। ईशान ये देख, ये वीडियो बियांका ने पोस्ट किया था। रॉकेट पहले शांत था लेकिन अचानक भड़क गया और भागने लगा। रॉकेट! पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस है। इसकी आवाज सिर्फ जानवरों को सुनाई देती है, इंसानों को नहीं। मतलब इस वीडियो में रॉकेट इस डिवाइस की आवाज सुन के भागा?
निखिल की तरफ भागा क्योंकि निखिल रॉकेट को रोज क्लब में खाना खिलाता था और जब खाना खिलाता था तो ये डिवाइस प्रेस करता था ताकि ये डिवाइस की आवाज रॉकेट के लिए पॉजिटिव एसोसिएशन होगी। समझ गया मतलब जब जब घंटी बजी तब तक खाना मिला। एंड आई बेट कि जिस दिन रॉकेट मरा ना उस दिन उस लोकेशन में निखिल या उसका कोई आदमी होगा इस डिवाइस के साथ। निखिल जानता था कि ये डिवाइस यूज करने से रॉकेट उसकी तरफ भागेगा। और रॉकेट के पीछे परव भागेगा और दोनों को गाड़ी उड़ा देगी। रॉकेट! उस गाड़ी में भी निखिल या उसका कोई आदमी होगा। टारगेट रॉकेट नहीं परव था पर निखिल का प्लान फेल हो गया। परव बच गया लेकिन रॉकेट ऑफ हो गया। पड़ोस के कपड़े भी ले आई क्या? सब तेरे ही हैं। कभी फोल्ड भी कर लिया कर, मशीन में धोए सुखाए और सीधे कबर में ठूस दिए। ये तो रोज का है, आज इतना स्पेशल गुस्सा क्यों? ठकराल के खिलाफ केस तू लड़ रही है और ये बात मुझे रचना से पता चलती है। वो रचना? न्यूज एंकर रचना। What's going on, रीटा? हाँ? बातें छुपाना, लेट नाइट आना, वो भी अजीब अजीब कपड़े पहनकर। तू ऐसी नहीं थी। मैं छुपा नहीं रही थी मॉम, मैं बताने वाली थी। बट केस जीतने के बाद अजीब कपड़े पहनना है, लेट नाइट, मैं सब केस के लिए कर रही हूँ। मुझे बस जीतना है मॉम। तू जीतेगी, अपने डैड की बेटी जो है। डैड की बेटी बड़ी हो गई पर आपके लिए अभी भी छोड़ी बच्ची ही हो ना। अगर इतनी ही बड़ी हो गई है मेरे लिए एक काम करेगी? Anything for you, mom. वो कबर्ड साफ करना। Are you serious? मैं बहुत बिजी हूँ। पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है मॉम। शॉपिंग चलो ना। मैं सब कपड़े अच्छे से घड़ी करके रखूंगी कल से। ना जंक भरा है कबर्ड में मॉम, आप साफ ही नहीं करते हो। अब बताइए स्नैक्स में क्या पेश करूं? अपन के अंदर मुजरा करने आया जो तू पेश करेगा? पेश नहीं केस। निखिल सारंग, परव राणे, क्लब। छापा मारा है हमने निखिल सारंग के क्लब पे। जुए खेलने का सबूत तो मिल गया लेकिन निखिल नहीं मिला। मतलब कल्टी हो गया। और वो जन जिसने रॉकेट को गाड़ी से उड़ा दिया? हाँ, उनका क्या हुआ? उस गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट है तो बता नहीं सकते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था उस दिन। थैंक्स जय, कोई और भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो प्लीज बता देना। ऑल्सो एक और छोटा सा काम है। एक्चुअली रहने दो, नहीं तो आपको लगेगा मैं आपको यूज कर रही हूँ। अरे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यूज करें। आप बताइए, देखो प्लीज होने के बाद ना पुलिस वाला काम करने को नहीं मिलता है। क्राउड कंट्रोल, नेता की सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग, गाड़ियों की चलान, मजा नहीं आता। आपके साथ मजा आता है। अब रियल केस सॉल्व करने का मौका मिलता है तो यूज कीजिए हमें, बेफिक्र होके। अरे मैं साबुन थोड़ी ना होके ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाऊंगा। एक्चुअली एक पुराना केस है 2006 का, उसकी फाइल देखनी है। सुभाष सान्याल, सुसाइड केस। सान्याल,
आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, माय फादर। आई एम सॉरी। वैसे आप फाइल की देखना चाहती हैं? पापा की डेथ 17 अगस्त को हुई, बट 20 अगस्त का उन्होंने टिकट्स बुक किए थे ऊटी के, फैमिली ट्रिप फॉर माय बर्थडे। सुसाइडल आदमी अपने डेथ के ठीक पहले, आई डोंट नो, हॉलिडे प्लान करने के मूड में नहीं होगा। ठीक है, मैं रिकॉर्ड चेक करता हूँ और शाम तक बताऊँ। ठीक है। वैसे आपका ये इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? पर अफसर ऐसे ही मरे पड़े थे यहाँ से। ऐसा जीप निकाल के? ना ना, यू तो नकली है। अरे भाई, ओवर एक्टिंग ना कर, जवान भित्तर ले ले भित्तर। अगर बॉडी इस पोजीशन में थी तो केशव का गन यहाँ होगा, इस वाज में, इस फोन से कनेक्टेड। और अगर इस गन की गोली परफ को लगती तो वो यूं गिरता ऐसे अपने बैक पे। पक्का बॉडी इसी पोजीशन में थी क्या हुआ होगा? किलर यही खड़ा था परव के ठीक पीछे। परव ने फोन उठाया, बूबी ट्रैप से गोली चली, लेकिन गोली परव को नहीं लगी क्योंकि पीछे से गोली खा के वो टारगेट पॉइंट से हट चुका था। पर फिर गोली कहाँ है? परव का किलर उसके डायरेक्ट पीछे था तो गोली उसी को लगी होगी। फिर फोरेंसिक्स को क्राइम सीन से कोई और ब्लड सैंपल क्यों नहीं मिला? तो ऐसा लेफ्ट राइट हो गया होगा। फिर बुलेट कहाँ है? किलर के पोजीशन में आ जा। गोली इस डायरेक्शन में गई होगी। रे मिल गई नी बुलेट। चोरी ने घनी मेहनत करा रखी। हैंड रख लेता हो, तारी फोटो खींचनी है गोली के साथ, कल के पेपर में हेडलाइन छपेगी, परब रानी के वफादार चौकीदार ने की हथियारा पकड़ने में मदद। मैंने दिखा ताऊ की बढ़िया सी फोटो खींच अलग अलग एंगल से। मैं बेसमेंट ढूंढ के आती हूँ। मैं वॉशरूम में होके पीपी करके आई। रे छोरी सीधे जाके राइट जाना, कहीं और मैं घुस जाऊं ना। आओ इधर इधर। वाओ हैंडसम, वाओ सेक्सी, वाओ ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। वो मुझे उसके घर के नीचे एक सेलर में ले जाना चाहता था। Thank you.
शाबाश, पांच इंची दिखाओ, शाबाश शाबाश, घूम जाओ। बस्कर शोरे बस्कर, कल अखबार में खबर भी छपेगी या फोटो छपेगा? अपन ढेर सारे ऑप्शन ले रहता हूँ, जो बेस्ट होएगी वही छपेगी। ऐसे करो, अब ऐसे करो, यहाँ लगाओ, स्माइल। सुन, परसों फार्म हाउस पे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, कम से कम 40-50 जर्नलिस्ट आएंगे, सब कुछ रेडी रखना, ठीक है? हो जाएगा साहब जी, हो जाएगा। और आज हम उन्हीं जर्नलिस्ट के साथ हैं जिसे आपने भेजा है, और यहाँ पे गोली मिली है, गोली। अखबार में फोटो छपेगा कल हमारा। अबे कौन सी गोली, और मैंने किसको भेजा आज? हरियाणी बोल के बेवकूफ बनाते हो हमें? सारे हम तो थारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारे भी जा रहे हो। मरते थे अपन, आज बच गए। इससे अच्छा तो दुबई का काम था, कम से कम जान का रिस्क तो नहीं था। एडवेंचर हुआ ना, थ्रिल मिला। थ्रिल ट्राई का थ्रिल। हेलो जय, मिस सन्याल, मैंने 2006 का सारा डेटा चेक किया, आपके फादर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है किसने मिटा दिया है? मिटा दिया है? जो होगा बहुत पावरफुल होगा, बिना सपोर्ट के कोई पुलिस डेटा डिलीट नहीं कर सकता। एक वीडियो दिखाना है, मर्डर वाली रात तुम वहां थी, क्यों गई थी तुम बर्फ के फार्म हाउस पे? But I didn't kill him. किलर औरत है। कैसे मालूम? मायरा ने कहा। Who sent the foot, Mr. Rane? उस दिन मैंने टेबल नंबर 25 से पहले एक और ऑर्डर लिया था। टेबल नंबर 32 की कस्टमर का लुक याद है?